नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मर्स होम। हम इस समय लखनऊ के गोसाईगंज क्षेत्र में हैं और हमारे साथ हैं रमेश शर्मा किसान, जो प्रगतिशील किसान हैं और केंद्र सरकार द्वारा सम्मानित भी हैं। ये उनका एक 1000 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस है जिसमें उन्होंने लाल पीली शिमला मिर्च लगाई हुई है। इसमें एक हिस्से में जो वैरायटी है ये लाल शिमला मिर्च की है और दूसरे हिस्से में जो वैरायटी है वो पीली शिमला मिर्च की है। तो आइए हम जानते हैं उनसे कि कैसे उन्होंने इसकी शुरुआत करी और कैसे वो इस पूरी फसल को देख रेख करते हैं और कैसे पूरा इसको फार्म को अपने मैनेज करते हैं। रमेश जी नमस्कार। जी बताइए भैया, फसल मतलब यही हुआ कि पॉली हाउस में मतलब ज्यादा फायदा, तो हमने भी सोचा कि 2016 में 1000 स्क्वायर मीटर का हम पॉली हाउस लगाए थे। जी जी, तो उसमें अब मतलब इस बार 5वीं फसल है, हम शिमला मिर्च ही लगा रहे हैं डायरेक्ट। जी जी जी, तो हमें इससे मतलब बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। जी जी जी, इससे पहले आपने इस पॉली हाउस में पहले भी आए हैं, तो आपने इसमें साइड में कुछ फसलों का और भी किया था, तो उनका कैसा? हम चेरी टमाटर लगाए थे पहली बार, तो कैसा रिजल्ट आया चेरी टमाटर का? नहीं, चेरी टमाटर तो बहुत कम से कम 15 फीट पौधा बढ़ा था। जी जी, और अच्छा लगा भी था, लेकिन उससे शिमला मिर्च में वायरस बहुत ज्यादा आ रहा था। अच्छा, क्योंकि टमाटर में रोग ज्यादा आता है, टमाटर से मिर्च में आ रहा था, तो फसल दोनों खराब हो रही थी। अच्छा, मतलब है कि अगर पॉली हाउस में एक बार में एक ही फसल लगाई जाए, यदि चेरी टमाटर लगाई जाए और चेरी टमाटर ही लगाया जाए। हाँ, अगर कोई भी मतलब अगर खीरा लगाया जाए तो खीरा ही लगाए। अच्छा अच्छा, टमाटर लगाए तो टमाटर ही लगाए। हाँ, और शिमला मिर्च लगाने तो शिमला मिर्च। फलत कैसी थी टमाटर की? फलन तो बहुत अच्छी थी, पूरा एक तरफ से जिसे गूंज नहीं जाता पौधा उसका। हाँ, आखिरी बार आपने खुले में भी चेरी टमाटर लगाया था, इस बार लगाया नहीं शायद? नहीं लगाया, इस बार भी लगाया। इस बार भी लगाए आप? इस बार अभी हम लोग उसको भी देखेंगे चल के। इस बार हमारे पास 10 तरह की चेरी टमाटर। अच्छा, तो अभी फल आना चालू हुआ है उनमें? नहीं, चलिए बहुत बढ़िया, अभी हम लोग उसको भी चल के देखेंगे। तो अब शिमला मिर्च की खेती के बारे में बताइए कि कैसे कैसे इस खेती को आपने शुरुआत करी और कैसे इसको और अच्छा बनाया जाए। शिमला मिर्च भी इसको मतलब हम जुलाई में इसकी नर्सरी करा देते हैं, 20 जुलाई के आसपास, ठीक है, और 20 अगस्त को इसको मतलब ट्रांसप्लांट किए थे। हाँ, हाँ, हाँ। और तब से चल रहा है, अब एक आध में कलर आना शुरू हो गया। जी जी जी, अभी लाल में आपका कलर कम लाल आना में है। कहीं कहीं कोई एक आध मिल रहा है, लेकिन पीले में कुछ, आप पीले में देखेंगे। हाँ, पीले में आपका फल आना चालू हुआ और शायद पीले की तुड़ाई भी चालू हो गई आपकी। हाँ, तुड़ाई शुरू हो गई इसमें। जी जी जी, मतलब जो लाल का है कलर थोड़ा लेट आता है, लेकिन पीले का कलर थोड़ा जल्दी आ जाता है। अच्छा 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 अच्छा, पीले में कलर आना शुरू हो गया है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन जितना लेट हो जाता उतना सही रहता है, क्योंकि मतलब जो एडवांस फल होता है थोड़ा कम सही आता है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन जो आप फल आएगा वो बढ़िया आएगा, बड़ा आएगा थोड़ा। तो और क्या समस्या आती है, रोगों की क्या समस्या आती है इस फसल को लेकर? समस्या इसमें बस व्हाइट फ्लाई और माइट और थ्रिप्स ये ज्यादा आती है। अच्छा अच्छा, क्योंकि हमारे खेत में भी देख रहे हैं कहीं कहीं मतलब कुछ पौधे हैं। हाँ, जो उखाड़ने वाले हैं। जी जी जी, अच्छा इन पौधों को बांधना कितना जरूरी होता है? आपने ऐसे ये रस्सी से बांधा जाएगा तो ये टूट के गिर जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये जो वैरायटी है ये वैरायटी बढ़ने वाली है? बढ़ने वाली, जो पाली उसमें होता मतलब इसमें छांव बनी रहती, तो उसमें मतलब पौधा बढ़ता है ज्यादा, 8 फीट 9 फीट का पौधा होता है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, और क्या आपका एवरेज लागत आती है पूरे पॉली हाउस में खेती को लेकर शिमला मिर्च की, और कितना उत्पादन होता है या प्रति पौधा कितना उत्पादन मिलता है आपको? मतलब जो अभी तक हमारा मतलब उत्पादन रहा है 1000 स्क्वायर मीटर में, लगभग वही 50 क्विंटल के आसपास रहता है। अच्छा, 50 क्विंटल के आसपास, 45 से 50 क्विंटल का एवरेज मतलब लगभग आता है, और खर्च इसमें लगभग 1 लाख रूपये का आ जाता है एक फसल में। अच्छा, 1 लाख का खर्च आ जाता है, तो क्या आपको एवरेज रेट मिलता है? एवरेज रेट पर साल तो वो तो लॉकडाउन की वजह से बहुत डाउन था, लेकिन वैसे लगभग 100 रूपये का लगभग रहता है। 100 रूपये किलो तक आपको इसका एवरेज रेट मिल जाता है। तो इसकी मार्केट कहाँ? आप लखनऊ में ही करते हैं? कहीं बाहर? तो व्यापारी आपके खेत से आके ले जाते हैं? नहीं, हम ले जाके स्वयं देते हैं, ऑर्डर लेते हैं देते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब आप अपनी होटलों में सप्लाई इसकी करते हैं? होटलों में नहीं देते, होटल के वेंडरों को हम देते हैं। अच्छा, होटलों के वेंडरों को देते हैं। एक तरह से आपका जो माल है वो खेत से डायरेक्ट होटल तक जाता है। जी, चलिए बहुत ही अच्छी खेती है आपकी। अच्छा, क्या क्या रोग लगते हैं फसल को लेकर? मतलब इसमें मतलब वही थ्रिप्स और माइट कीड़े आते हैं। हाँ, और वायरस आ जाता है इसमें, वायरस सबसे ज्यादा आ जाता है जो उससे पौधे खराब हो जाते हैं। क्या रोकथाम का तरीका है वायरस को? मतलब इसमें कई दवाएं डाली जाती हैं, लेकिन मतलब जो अगर पौधा एक बार आ गया जिसमें तो फिर हटता नहीं। अच्छा, मतलब उस पौधे को फिर हटाना ही पड़ेगा। हाँ, जैसे कुछ पौधों में है यहाँ पे हम दिख रहा है हम लोगों को। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी तरह सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते रहिए। आपको हम लोग 4 से 5 सालों से देख रहे हैं और आपके
फार्म को ग्रोथ होते हुए भी देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है आपको इस तरह काम करते हुए। धन्यवाद रमेश जी।